दीपक श्रीवास्तव न्यूज़ चैनल गोरखपुर। वहीं हरदोई में नगर निकाय चुनाव में ताल ठोकने वाले धुरंधरों के भाग्य का फैसला कल यानी 13 मई को हो जाएगा। हरदोई शहर के जेएसए समेत सभी तहसीलों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जहां अध्यक्ष सभासद पद के लिए एक साथ मतगणना होगी। जिला प्रशासन ने मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी की है। एसपी राजेश द्विवेदी ने भी मतगणना की तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। 5 स्थानों पर मतगणना की जाएगी। हमारे 5 स्थानों पे 13 निकायों के स्ट्रांग रूम भी है, तो पर स्ट्रांग रूम के हिसाब से हमने अलग से सिक्योरिटी गार्ड लगाया हुआ है, गार्ड लगाई हुई है। साथ ही साथ फिलहाल केंद्रों पर आउटर कॉर्डन है, जो कि स्थानीय पुलिस द्वारा उसको किया गया है, उसकी सुरक्षा की जा रही है। जो स्ट्रांग रूम है वहाँ से बैलेट बॉक्सेज ले जाने के लिए और ले आने के लिए अलग से हमने फोर्स लगा रखी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच और साइंटिफिक सर्वे की मांग में दाखिल याचिका मान ली है। इसके साथ ही एएसआई को बिना नुकसान पहुंचाए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच करने का आदेश दिया है। दरअसल ज्ञान वापी परिसर की 16 मई 2022 की कमीशन कार्रवाई के दौरान मिले कथित शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे एएसआई से कराए जाने की मांग को लेकर वाद दाखिल हुआ था, जिसको वाराणसी की जिला अदालत ने यह कहते हुए खारिज किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है। अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही है, ऐसे में सिविल कोर्ट को आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ने 14 अक्टूबर को रिजेक्ट कर दी थी, ये होल्ड करते हुए कि अगर शिवलिंग की साइंटिफिक जांच होगी तो उससे शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। इस ऑर्डर के खिलाफ हम उच्च न्यायालय आए थे। उच्च न्यायालय में कल एएसआई ने 52 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें एएसआई ने कहा है कि उनके पास नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स हैं कि बिना शिवलिंग को डैमेज किए हुए, डिस्ट्रॉय किए हुए, बिना उसका पार्टिकल लिए हुए, उसके प्रकृति, उसका नेचर, उसकी एज, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ, ये सब पता लगाई जा सकती है। और एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के 17 अक्टूबर के ऑर्डर को आज निरस्त कर दिया है। हमारी एप्लीकेशन 250 का अलाउ कर दिया है और कोर्ट को यह डायरेक्ट किया है।